आदाब नाज़रीन, मैं अखिल खान और आप देख रहे हैं अंगारे न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। नाज़रीन किराम, आपको आज ये भी बताना ज़रूरी है कि हम सड़कों पर गंदगी अपने जानवरों की ना डालें, और अगर ज़बिया हो रहा है ज़बिये के बाद जितनी सफाई मुमकिन हो सके वहाँ कीजिए, और जितनी उसकी गिलाजत वगैरह है उसको एक प्लास्टिक के जो अपन बाज़ार से ख़रीदिए या बल्दिया सप्लाई कर रही है वो लीजिए, और उसको बाज़ाब्ता पूरे उसमें उसके जो नाकारा चीज़ें हैं उसको डालकर वो उन लोगों के हवाले कर दे जो शहर की सफाई में लगे हुए हैं। हमारा भी काम यह है कि हमारे रसूल ने फरमाया हमारा हर काम पाक है, और हमारी पाकी का अंदाज़ा अपने अमल से होता है। हमको अपने अमल को भी दुरुस्त रखना चाहिए और शहर को भी पाक रखना चाहिए, और साथ में ये गंदगी जो अपन रोडों पे डाल देते हैं, रोडों पे बकरे ज़बह कर दे रहे हैं या और कोई जानवर ज़बह कर रहे हैं, तो उसका ख्याल रखें कि पड़ोस को कोई तकलीफ़ ना हो। हमारी ईदें किसी की तकलीफ के लिए नहीं है बल्कि हर एक के लिए राहत की है, लिहाजा इस बात का भी ख्याल रखिए कि गंदगियों से अपने शहर को बचाने की कोशिश कीजिए, और ये भी कोशिश कीजिए कि जहाँ ऐसे लोग रहते हैं जहाँ वो जानवर को काटने में उनको तकलीफ़ होती है, तो वहाँ भी अपने एहतियात का मुजाहरा कीजिए, मोहब्बत का मुजाहरा कीजिए। ये हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक है। हमको सब बातों का मेरे आखा ने दर्ज दिया है, पाकी आधा ईमान है फरमाया। एक मुसलमान दूसरे के लिए तकलीफ़ देने बन सकता, मेरे आखा ने यहाँ तक भी फरमाया है। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।